नगद मूल्य ज्ञात करना। किश्त योजना में प्रत्येक समान किश्त की राशि, किश्तों की संख्या, ब्याज की दर तथा तत्काल नगद भुगतान की राशि दी गई हो तो वस्तु का नगद मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। आइए एक उदाहरण से समझें। उदाहरण 18। एक साइकिल 500 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा 1,210 रुपये की दो समान वार्षिक किश्तों पर उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो साइकिल का नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। उदाहरण 18 हल। प्रश्न में साइकिल का नगद मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम मान लेते हैं कि साइकिल का नकद मूल्य X रुपए है। और उसके लिए जो तत्काल नगद भुगतान किया गया है वह है 500 रुपए। किश्त बताई गई है 1,210 रुपए की दो समान वार्षिक किश्तें, यानी कि प्रथम किश्त बराबर 1,210 रुपए और ब्याज की दर जो कही गई है वह दी गई है ब्याज की दर बराबर 10% वार्षिक। साइकिल का नगद मूल्य हमने 100 रुपये लिया है और तत्काल नगद भुगतान 500 रुपये का है, तो नगद भुगतान के बाद की शेष राशि हम ज्ञात कर सकते हैं। नगद भुगतान के बाद शेष राशि बराबर होगा बराबर एक्स ऋण 500 रुपये। इसलिए हम अब एक्स ऋण 500 रुपये का एक वर्ष बाद का मिश्र धन भी ज्ञात कर सकते हैं। एक्स ऋण 500 रुपये का एक वर्ष बाद का मिश्र धन जो होगा उसकी गणना हम मिश्र धन के लिए जो सूत्र है उससे कर सकते हैं, क्योंकि गणना जो हो रही है वो वार्षिक हो रही है। तो हम कहेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन गुणित एक धन आर बटे 100 पूरे की घात एन, जहां मूलधन हमारा यहां पर है एक्स ऋण 500, एक धन आर यानी कि ब्याज की दर जो दी गई है वह है 10, तो 10/100 और गणना एक वर्ष के लिए हो रही है तो एन हो गया 1। चलिए आगे हल करते हैं। तो हमें एक वर्ष बाद का जो मिश्र धन प्राप्त हो रहा है वो हो गया एक्स ऋण 500 गुणित एक धन 10/100 पूरे की घात 1। इसे हल कर लें तो हमें मिलेगा एक्स ऋण 500, इसे 10 के पहाड़े से हल करने पर यह हो जाएगा 1/10 यानी कि एक धन 1/10 घात 1 है, इसलिए उसे हम एक धन 1/10 के रूप में लिख सकते हैं। और अब ये हो गया एक्स ऋण 500 और इसे हल करने पर मिलेगा 11/10। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और अब हम ज्ञात कर सकते हैं प्रथम किश्त के भुगतान के बाद शेष रकम कितनी होगी। प्रथम किश्त के भुगतान बाद शेष रकम की गणना हम कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है, दूसरे वर्ष का मूलधन, यह है दूसरे वर्ष का मूलधन।
इसका मान कितना हो जाएगा? x ऋण 500 गुणित 11/10 ऋण किश्त की राशि यानी कि 1,210 रुपये। एक्स ऋण 500 गुणित 11/10 ऋण 1,210 रुपये। चलिए आगे हल करते हैं। दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन हमें प्राप्त हुआ है, दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर 11 गुणित एक्स ऋण 500 बटे 10 ऋण 1,210 रुपये। अब हम इसकी सहायता से दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर होगा 1/100 पूरे की घात समय। इसमें हम मान रख लें तो हमें मूलधन का मान मिलेगा एक्स ऋण 500 गुणित 11/10 ऋण 1,210 गुणित 1/100 हमारी 10% यानी कि 10/100 और गणना पुनः एक वर्ष की हो रही है इसलिए समय एक वर्ष का। इसे आगे सरल करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स ऋण 500 गुणित 11/10 ऋण 1,210 और इसे हल करने पर 10 का पहाड़े से हम इसे हल कर ले तो 10 एकम 10, 10 दहम 100 तो हमें मिला है 1/100 घात 1 है इसलिए वह संख्या वही रहेगी 1/100। पुनः एक्स ऋण 500 गुणित 11/10 ऋण 1,210 और इसे सरल करने पर मिलेगा 11/10। चलिए आगे हल करते हैं। हमने देखा कि दूसरे वर्ष के अंत में जो मिश्रधन मिला हमें वह है बराबर एक्स ऋण 500 गुणित 11/10 ऋण 1,210 पूरे के गुणे में 11/10। अब दूसरे वर्ष के अंत में जो मिश्र धन है वही दूसरे वर्ष की देय किश्त राशि होगी इसलिए हम कहेंगे दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन दूसरे वर्ष की देय किश्त के बराबर होगा। और प्रत्येक माह की जो किश्त की राशि है वह कितनी है? 1,210 रुपये। यानी कि एक्स ऋण 500 गुणित 11/10 ऋण 1,210 पूरे के गुणा में 11/10 यह मान बराबर होगा दूसरे वर्ष की देय किश्त राशि यानी कि 1,210 रुपये के। चलिए इसे आगे हल कर लें। एक्स ऋण 500 गुणित 11 पूरे के 10
ऋण 1210 बराबर हम लिख सकते हैं 1210 गुणित 11 बटे 10 को हम पक्षांतर रूप में ले जाएंगे तो वह यहाँ पर हमें प्राप्त होगा गुणित 10 बटे 11 के रूप में। इसे सरल कर लें, पुनः जो पद प्राप्त होगा वह होगा x ऋण 500 गुणित 11 बटे 10 ऋण 1210 बराबर, आप इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 11 के पहाड़े से करें तो 11 एकम 11 और ये हो जाएगा 110 बार, यानी कि 110 गुणित 10 तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1100। चलिए इस पद को आगे हल करेंगे। हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ था वह x ऋण 500 गुणित 11 बटे 10 ऋण 1210 बराबर 1100। इसे पुनः हल करेंगे तो मिलेगा x ऋण 500 गुणित 11 बटे 10 बराबर 1100 और 1210 का पक्षांतर करने पर वह हो जाएगा धन 1210 दाएं पक्ष में। इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 2310 रुपये और यहाँ पर x ऋण 500 गुणित 11 बटे 10। आगे और हल करते हैं, x ऋण 500 बराबर हम लिख सकते हैं 2310 गुणित 10 बटे 11। अगला पद सरल करने पर हमें मिल जाएगा 2100 जो कि पुनः हल होके देगा 2100 धन 500। इस प्रकार x का मान हमें प्राप्त हुआ 2600। तो साइकिल का नगद मूल्य जो होगा वो 2600 रुपये होगा। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ।